मतलब पहली बार पार्टी से पहली बार पार्टी से किए हैं। अमूमन जो है जितनी बार आप चुनाव लड़े उतनी बार आप निर्दल के रूप में जो है नामांकन किया है, तो क्या इस बार जो है पार्टी के जो है एजेंडे रहने वाले हैं और किस तरीके से आज आपने नामांकन किया? बिल्कुल सही बात कही आपने, पहली बार किसी दल से और जनसत्ता दल से नामांकन हुआ है। जनसत्ता दल पहली बार विधानसभा के चुनाव में उतर रहा है। रही बात प्रतापगढ़ जनपद की, तो यहाँ अभी तक बाबागंज और कुंडा दो जगह से जनसत्ता दल के प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं और जनता ने अपना मन बना रखा है कि हर बार का रिकॉर्ड तोड़ करके और बड़ा रिकॉर्ड और बड़ा कीर्तिमान इस बार बनाएगी। जीत का अंतर कितना होगा? हर बार तो रिकॉर्ड बनाते हैं, अपनी कितनी क्या विचार है? देखिए हम तो प्रत्याशी हैं, जीत का अंतर और रिकॉर्ड बनाना ये कुंडा और बाबागंज की सम्मानित जनता का काम, कुछ तो मन में होगा। और कुंडा की जनता जो कहती है वो करती है। पिछली बार का नारा था आपकी बार 1,00,000 पार, ये करके दिखा दिया 1,04,000। सर इस बार नारा है आपकी बार 1,50,000 पार, तो इस बार की। और कुंडा एक ऐसी विधानसभा है जो लगातार 6 बार से अपना मार्जिन स्वयं तोड़ रही है, नए रिकॉर्ड कायम कर रही है, जीत का अंतर सर्वाधिक है, तो ये प्रदेश में एक अजूबा है। सर आपने जनसत्ता दल का भी गठन किया है, जनसत्ता दल का भी नहीं का ही गठन, हाँ, का ही गठन किया है, तो क्या क्या एजेंडे रहने वाले, कितने सीटों पे जनसत्ता दल जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगा? थोड़ा समय कम पड़ जाएगा, पूरा घोषणा पत्र एक एक बिंदु अगर बताने लगेंगे तो दर्शकों के पास और आपके पास इतना समय नहीं है, लेकिन जनसेवा संकल्प पत्र हमारा है जिसमें सभी बिंदुओं को कवर किया गया है, उसकी एक एक फोटो कॉपी हम आज ही से कल भरने करा देंगे। आखिरी सवाल ये कि 50 सीटर लड़ा रही है, ये बात करते हैं हमेशा कानून व्यवस्था अच्छी होगी, ये होगा, ये क्या है राजनीति में, ये कैसे बात है, क्या दोहरा मापदंड अखिलेश यादव का? हम ये कहेंगे चुनाव है और चुनाव में हर दल प्रत्याशी उतारते हैं। फोन थोड़ा नीचे।